जी कहिए। मैं साक्षी का फादर हूँ, क्लास सर। अच्छा, मैं उसकी क्लास टीचर को बुलवा देती हूँ। एक्चुअली मैम, मुझे आपसे ही बात करनी थी। हाँ, कहिए। साक्षी जिस क्विज कंपटीशन में पार्ट ले रही है, मैं चाहता हूं कि आप उसकी पार्टनर चेंज कर दें। क्यों? जहां तक मुझे ध्यान है, वो दोनों काफी अच्छा काम कर रही हैं, और फिर वैसे भी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आप उन्हें क्यों हटाना चाहते हैं? उसे अभी अच्छे बुरे की समझ नहीं है, हमें तो सोचना ही पड़ेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? जरा खुल के बोलिए। वो मुसलमान है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी मुसलमान के साथ पढ़े। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? वो उसके साथ रहेगी तो उसके जैसी हो जाएगी। बाय द वे, आप क्या करते हैं? आई एम अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। तो मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप? पूछिए। कुछ लोग आते हैं, उनके पास ताकत है, बोलने की ताकत। वो जो कुछ भी बोलते हैं, लोग उन पर विश्वास करते चले जाते हैं, आंखें बंद करके। एक दिन उन्होंने कुछ लोगों को पीने के लिए अमृत, बहुत से लोगों ने पिया और कुछ ने मना कर दिया। बाद में पता चला कि वो अमृत नहीं, जहर था। जानते हैं उसके बाद क्या हुआ होगा? सब मर गए होंगे। नहीं, एक भी नहीं मरा। तो मरा कौन? सोच और इंसानियत उनके अंदर की। क्या आप बता सकते हैं कि उस जहर का नाम क्या था? क्या हिंदू मुस्लिम जहर, जो हम लोगों में आज भी अंदर तक भरा हुआ है, कूट कूट कर उफाने मार रहा है। सर, हम तो इस जहर से अपने आप को बचा नहीं पाए, पर आने वाली नस्ल को तो हम इस जहर से बचा सकते हैं ना? सोचिए जरा। साक्षी की पार्टनर चेंज नहीं होगी। धन्यवाद।